तो हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह फिर एक बार दोबारा आपके साथ आया हूँ गूगल सीट की क्लास में। और गूगल सीट में हम बात आपके साथ कर रहे हैं चार्ट्स की। तो पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जब चार्ट हम इंसर्ट करते हैं तो किस तरीके से हम कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। हम बात करते हैं पाई चार्ट का। जी हाँ, पाई चार्ट मतलब कंट्रीब्यूशन देखने के लिए चार्ट का इस्तेमाल होता है। उन चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहां हम करते हैं चार्ट्स। चार्ट्स पे क्लिक किया और यहां देखिए आपके सामने कॉलम चार्ट दिख रहा है। जी हाँ, कॉलम चार्ट बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट ही ऐड होता है, बट मुझे कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई और चार्ट चाहिए। तो कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहां से अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लाइन चार्ट की बात करें तो ये आपका लाइन चार्ट आया हुआ है, लाइन चार्ट। बट लाइन चार्ट हम इसमें यूज नहीं करते, लाइन चार्ट का यूज होता है डेट में। जैसे डेट बाइज या भी एक लंबा फ्लो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कल लास्ट वीडियो में बताया था कि हम चार्ट का यूज तीन चीजों में के लिए करते हैं। पहला हम कंपेयरिंग करते हैं, जो कि हमने कॉलम चार्ट के जरिए कंपेयर किया। दूसरा आता है फ्लो। जैसे आपको मान लीजिए सेल्स का फ्लो देखना है कि किस डेट में बढ़ा घटा, इस तरह से फ्लो देखना है आपको, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। ये आपका डेट वाइज हमने ले लिया एक लंबा डेट। और एक हमारे पास रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है जो कि रैंडम नंबर देता है, रैंड बिटवीन। रैंड का फॉर्मूला है, हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद हम चार्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। चार्ट पे क्लिक करने के बाद वो बाय डिफॉल्ट हमारा लाइन चार्ट आया और डेटा के अकॉर्डिंग गूगल को बिल्कुल अंदाजा लगा देता है कि इस पर किस तरह का चार्ट होना चाहिए। तो ये लाइन चार्ट में जब इसने हुआ, जब इस पर लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको सजेस्ट करता है कि जो डेटा है इस पर किस तरह के चार्ट होनी चाहिए। क्या ऐसा चार्ट होना चाहिए, या ए चार्ट होना चाहिए, या ए चार्ट होना चाहिए, या फिर ए चार्ट होना चाहिए, इसको एरिया चार्ट कहते हैं। तो हम पहले लाइन चार्ट में आते हैं। तो लाइन चार्ट आप देखिए, चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है, कस्टमाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होता है। तो फॉर्मेटिंग में एक तो चार्ट की स्टाइल है, चार्ट का बैकग्राउंड कलर जो भी लास्ट क्लास से बताया था वो स्मूथ होना चाहिए। ये आपका जो लाइनिंग है, लाइनिंग स्मूथ होना चाहिए, यहाँ पे स्मूथ आएगा। मैक्सिमाइज होना चाहिए, मतलब कि चार्ट जूम होना चाहिए, बाकी चीज़ ना दिखना चाहिए, देखिए इस तरह से। तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। प्लॉट नल वैल्यू तो ब्लैंक है उसको दिखता है। कंपेयर मोड, कंपेयर मोड में भी जब दो होता है तो कंपेयर मोड यूज होता है, फिलहाल तो एक ही है। चार्ट के एक्सेस वगैरह सेम है जो कि हमने बात की थी लास्ट क्लासेस में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, सीरीज में जब आते हैं तो यहाँ सीरीज का कलर, तो जो लाइन का कलर है वो अपने हिसाब से लाइन के कलर को यूज कर सकते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड है, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी है, वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, लाइनिंग डॉट लाइन में चाहिए, या डैश में चाहिए, या डॉट डैश डॉट्स में चाहिए, ये चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लाइन की जो थिकनेस है, मतलब इसकी जो मोटाई है, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि 2px पे हो या 8px पे हो। तो इस तरह से आप इसकी मोटाई चूज कर सकते हैं। उसके बाद प्लॉट साइज सिर्फ फिक्स कर देते हैं। तो ये प्लॉट की जो साइजिंग है वो डिपेंड करता है, सर्कल होना चाहिए या ट्रायंगल होना चाहिए साइड में। जहाँ शुरुआत में देखिए जहाँ ये है, स्टार होना चाहिए, ए जहाँ जहाँ पॉइंट से वहाँ वहाँ दिखेगा, ये चीज़ में आता है। एरर बार चाहिए या फिर डेटा लेवल, ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो जो आपने चेंजिंग किया था इसमें कॉलम चार्ट में, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, वो सब चेंजिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से यहाँ कर सकते हैं लाइन चार्ट में। अब लाइन चार्ट में अब यहाँ यहाँ से अब चार्ट को सिलेक्ट, से चार्ट सेलेक्ट कर लिया, कोई भी चार्ट, लाइन चार्ट कोई चार्ट सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ होता है डिलीट चार्ट, डाउनलोड। आप इसको इमेज में, पीडीएफ में, या फिर आपका जो एसपी फाइल जो होता है, स्केबल वेक्टर ग्राफिक फाइल जो होता है, उसमें यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिश चार्ट, अब पब्लिश चार्ट क्या होता है, जैसे कि आप इस फाइल को कई सारे लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं,
तो पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे वो पब्लिश हो जाता है, कहाँ पे पब्लिश करना है आपको चार्ट, वो सिर्फ चार्ट दिखेगा वहाँ पे, यहाँ पब्लिश चार्ट पे करते हैं। तो पब्लिश चार्ट में हमने यहाँ पे लिंक हो गया और यहाँ पे पब्लिश कर दिया एंड ओके। अभी ये लिंक मुझे दे दिया, अब इस लिंक को अगर मैं किसी को भेजता हूँ और ये इस लिंक को ओपन होता है तो सिर्फ वो चार्ट जो है वो चार्ट यहाँ पे दिखेगा एम्बेड। जैसे आप गूगल सीट की कोई भी चीज़ है, अब जैसे कि कोई भी इस पर चेंजिंग करते हैं आप, मान लीजिए कि मैंने इसका जो कलर है वो कलर को ब्लैक कर दिया, यहाँ एडिट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। कस्टमाइज पे हूँ, चार्ट स्टाइल पे आता हूँ, चार्ट स्टाइल स्लीज पे आता हूँ, कलर जो है मैं यहाँ पे ब्लू कर दिया और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो एक बार इसको पब्लिश करना होगा, उसके बाद होगा क्योंकि जो चेंजिंग किए हैं वो पब्लिश हुआ नहीं। इसको एक बार पब्लिश करें, पब्लिश चार्ट, ये आ गया लिंक इस पर, एक मिनट ये इतना हट के जाता है, पब्लिश चार्ट लिंक पब्लिश्ड। तो वहां पे जस्ट अपडेट करते ही अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे अपडेट हो जाता है, लिंक होता है आगे अपडेट। हाँ कुछ टाइम लगता है पर एट अ टाइम नहीं होता है, हाँ कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है और वो आपका चार्ट को पब्लिश कर देता है, चाहे वो आपका एक्सेल का चार्ट, जो आपका जो कोई भी चार्ट क्यों ना वो चार्ट को यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये लाइन चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए। लाइन चार्ट में आगे वो भी होता है, लाइन में अगर ए लाइन ले सकते हैं जिसमें इस तरह का कर्व बनता है, या ए आप यहाँ से आप ए लाइन चार्ट लेते ले सकते हैं, या फिर स्मूथ लाइन चार्ट बोलते हैं, या फिर आप कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट यहाँ पे तो नहीं होगा, कॉम्बो चार्ट कहाँ भी यूज होता है, लाइन एंड कॉम्बो, जहाँ पे दो डेटा का मिक्सअप होता है। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये मंथ वो ही लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मंथ के नीचे मैं टारगेट ऐड कर देता हूँ, ये आपका टारगेट है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में आके चार्ट इंसर्ट करता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिक ये लाइन चार्ट आ गया क्योंकि यहाँ से इसने कॉम्बो चार्ट लिया हुआ है। तो इस तरह से कॉम्बो आप दो लाइन चार्ट ले लें या कॉम्बो चार्ट ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो चार्ट आप लेना चाहते हैं। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कि भाई टारगेट जो है आपका यहाँ सेल्स होना चाहिए, यहाँ टारगेट होना चाहिए। तो स्वैप भी कर सकते हैं आप, स्विच रॉल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्विच हो जाएगा। यूज कॉलम हीडर्स, यहाँ पे यूज वन रो एज ए टेबल, तो ये चीजें यहाँ से चेंजिंग आप कॉम्बो चार्ट, हर चार्ट में इसका अपना अपना होता है। तो स्टैंडर्ड हो गया हमारा, या फिर मैं 100% कर दूँ तो इस तरह से 100% दिखेगा, स्टैक होता है आपका। तो कॉम्बो चार्ट इस तरह से इस्तेमाल की जाती है, कस्टमाइज में जाके इसकी जितने भी फीचर्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियोज में हम बाकी चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू।